लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद बीजेपी को लगा बड़ा झटका। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का हुआ इस्तीफा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। कैबिनेट के साथ बीजेपी की सदस्यता भी छोड़ी और सपा में शामिल हुए मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार के विधायक हैं। वो पिछड़े समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। 80 के दशक से राजनीति में हैं। 2017 में यूपी विधानसभा चुनावों से पहले अगस्त 2016 में मौर्य बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीएसपी में मौर्य दूसरी पंक्ति के सबसे मजबूत नेता माने जाते थे। 2012 में जब यूपी में बीएसपी के हाथ से प्रदेश की सत्ता गई, मौर्य 2012 से 2016 तक विपक्ष के नेता भी रहे। इसके साथ ही मायावती ने मौर्य को बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन बाद में मायावती के साथ मौर्य के रिश्ते बिगड़े तो मौर्य बीजेपी में शामिल हो गए। मौर्य आरएलडी में भी रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने की जानकारी खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दी है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी व उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में सम्मान, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आधा दर्जन विधायक भी बीजेपी छोड़ सकते हैं, जिसमें से योगी सरकार में शामिल 2 मंत्री भी शामिल हैं। मौर्य ने बीजेपी छोड़ने के ऐलान के साथ ही बीजेपी में जो लोग अपने आप को तोप समझते हैं, उन्हें 2022 में उनकी ही तोप से स्वागत। और कोरोना में लापरवाही और डिजिटल प्रचार जैसे मुद्दों पर बीजेपी पहले ही घिरी हुई थी, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इन मुद्दों से जुड़े सवालों पर जवाब देने की जगह मीडिया के काम में बाधा डालने की कोशिश की, जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीसी को हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे अखिलेश यादव के डिजिटल प्रचार वाले बयान, माफिया पर कार्रवाई, आदित्य योगी के चुनाव लड़ने आदि पर सवाल पूछे गए। इन सारे सवालों के जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने दिए, लेकिन जब उनसे धर्म संसद के मंच से कही गई बातों पर बीबीसी संवाददाता ने सवाल किए, तो पहले केशव प्रसाद मौर्य ने दूसरे धर्म गुरुओं पर भी सवाल उठाने की बात कही। मौर्य ने ये भी कहा कि धर्म संसद भाजपा की नहीं है, वो संतों की होती है। संत अपनी बैठक में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ये उनका विषय है। कुछ देर तक सवाल जवाब के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीसी से कहा कि वो केवल चुनाव से जुड़े सवाल करें, और जब उनसे कहा गया कि ये मामला भी चुनाव से जुड़ा है, तो केशव प्रसाद मौर्य ने न केवल बीबीसी संवाददाता को किसी एजेंट की तरह बात करने वाला कहा, बल्कि इसके साथ ही अपना माइक निकालकर कैमरा बंद करवा दिया और इसके साथ ही कैमरे में हुई रिकॉर्डिंग भी डिलीट करा दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रिकॉर्डिंग मिटाकर मामले को रफा दफा करना चाहते थे, मगर कैमरे में लगी चिप के कारण सारी रिकॉर्डिंग फिर से रिकवर कर ली गई, जिसे बीबीसी ने अप्रसारित भी कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य की यह हरकत चुनावों पर बीजेपी पर काफी भारी पड़ सकती है, क्योंकि मीडिया के साथ किए गए इस व्यवहार की गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी। बीबीसी ने इस घटना पर गंभीर एतराज जाहिर करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री को आधिकारिक तौर पर एक शिकायत भेजी है, लेकिन इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं आया है। अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद से बीजेपी बुरी तरह से बैकफुट पर है। खुद का अस्तित्व बचाने के लिए वो नए नए पैंतरे आजमा रही है। जहां एक तरफ पीएम की सुरक्षा पर सहानुभूति कार्ड खेल रही है, तो वहीं दूसरे दलों से गठबंधन का गणित भी बैठा रही है। बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई नवेली पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त से गठबंधन किया है, लेकिन लंबे वक्त के बाद भी वो सीटों का बंटवारा नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते सीट शेयरिंग पर मोहर लग सकती है। जानकारी के मुताबिक इसे लेकर अगले 1-2 दिनों में बैठक होने जा रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश महासचिव और सीट बंटवारा कमेटी के सदस्य सुभाष शर्मा का कहना है कि इसी हफ्ते में कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, इसका फैसला हो जाएगा। अब बीजेपी के नेता तो जल्द सीट बंटवारे का दावा कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन सस्पेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि कैप्टन की नजर कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर भी टिकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन सोच रहे हैं कि अगर पहले कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए तो विरोधी सुर तेज होंगे और वो इसका फायदा उठाकर नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाएंगे,
और फिर कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतारेंगे। इसलिए कैप्टन चाहते हैं कि अभी सीटों के बंटवारे को रोका जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जल्द से जल्द पत्ते खोलना चाहती है। अब इस फैसले से साफ है कि दोनों दलों की सोच कहीं से भी मेल नहीं खाती है, जो मनमुटाव की वजह बन सकती है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलना तय है। अब तक हाथी की रफ्तार काफी सुस्त नजर आ रही है। बहन मायावती अब तक चुनाव प्रचार के लिए बाहर भी नहीं निकली और अब चुनावों से भी किनारा कर लिया है। क्या चुनावों में जनता के बीच नहीं जाना चाहती मायावती? बीएसपी की अब तक के एक्शन प्लान से तो यही लग रहा है। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ये ऐलान कर दिया कि मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी। सतीश मिश्रा भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सतीश मिश्रा काफी दिनों से अकेले ही प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। अवध से लेके पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी तक उन्होंने कई दौरे किए हैं। खास तौर पर ब्राह्मण समुदाय को लुभाने के लिए उन्होंने कई आयोजन किए हैं। लेकिन मायावती की चुनावों को लेकर ना तो कोई जनसभा हुई है और ना ही कोई रोड शो निकला है। बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ मायावती ने बैठक की थी, जिस बैठक में उन्होंने सभी नेताओं को निर्देश दिए थे कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मेरा जन्मदिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने घरों में मनाएं। उन्हें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए जो कोविड महामारी से पीड़ित हैं। मायावती 15 जनवरी को अपना 66वां जन्मदिन मनाएंगी। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बात करें तो बीएसपी ने अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। इस बार यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले ही मैदान में उतरी है। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक की सभी 403 सीटों पर पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है। अनुसूचित जाति वर्ग में बड़ी पैठ रखने वाली बीएसपी को लेकर कहा जा रहा है कि उसका फोकस राज्य के 85 आरक्षित सीटों पर है। 2017 में बीएसपी महज 19 सीटों पर ही सिमट गई थी। इस बार हाथी की क्या चाल रहती है उस पर सबकी नजर रहेगी।